नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप फ्रीक्वेंसी के बारे में समझेंगे। जैसे हम कलर टीवी को चलाने के लिए पहले एक छतरी लगाते थे और छतरी पे जो फ्रीक्वेंसी कैच की जाती थी उसके सामने जब कोई दीवार आ जाता था या कोई पेड़ आ जाता था तो क्या होता था कि उसमें हमारा जो टीवी होता था उसमें कोई वीडियो दिखाई नहीं देता था, तो हमको जो छतरी का डायरेक्शन था इस एंगल पे सेट करना पड़ता था कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट उस छतरी से टकरा के LMB के द्वारा जो है हमको पिक्चर यानी ऑडियो और वीडियो उस टीवी पे मॉनिटर के रूप में देख सकें, यानी दिखाई देता था टीवी पे। अब क्या है कि अब ये जो आपका वाईफाई है, आप सभी के कई जगह पे जो है यूज किए जाते हैं, जैसे इस समय फाइबर है और वाईफाई के कनेक्शन भी अवेलेबल होते हैं, ऑफिस हुआ या फैक्ट्री हुआ या और भी जगहों पे जो है स्कूल में। तो ऐसे जगहों पे जैसे दो टाइप के हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए वो जो वाईफाई यूज की जाती है जैसे 2.4 GHz और 5 GHz यानी 5G और 2.4G। जी सर, इसलिए एक जी क्लियर किए हैं कि जैसे इस समय 5G चल रहा है तो हम जो घर में नेटवर्किंग होता है वाईफाई का उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे उस समय जो छतरी से उसके सामने दीवार या पेड़ आने से रुक जाता था, अब ये फ्रिक्वेंसी क्या है कि आपका कोई भी सीमेंटेड दीवार हो, कोई भी पत्थर की दीवार या ईंटा या वो पेड़ या कुछ भी हो, ये उसे क्रॉस कर जाती है ये फ्रिक्वेंसी। यानी एक कमरे में अगर वाईफाई लगा है तो आपका दूसरे कमरे में भी इसके इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, ये उस दीवार को भी क्रॉस कर जाएगी। अब आपको ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि जब ये सब कुछ क्रॉस कर जा रहा है तो उस बीच में हम भी हैं, तो हमारे इंटरनल भी जो पल्स चलते हैं उसमें भी कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखें, ये जैसे बल्ब है इसमें जो 220 की लाइन आ रही है, ये 220 की लाइन जो है सप्लाई, इस समय हम LED बल्ब इसे यूज करते हैं और इसे ऑन कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये जो LED बल्ब जला है, अब इसके बाद हम चेंज करते हैं इसे, इसके जगह पे लगाते हैं फिलामेंट का बल्ब, यानी फिलामेंट का बल्ब लगाए, अब देखिए यहाँ पे फिलामेंट ग्लो किया, अभी फिलामेंट जो ग्लो किया यानी बल्ब का, अब यहाँ पे फिर से हम LED बल्ब को लगाते हैं। अब इसमें आपको डिफरेंस क्या मिला, यानी सप्लाई हमारी 220 वोल्ट ही है लेकिन हार्डवेयर वाइज यहाँ पे बल्ब जो है दोनों का अलग है, एक LED बल्ब है और एक है फिलामेंट, तो दोनों हार्डवेयर वाइज अलग है। अब इससे ये क्लियर होता है कि जो भी सप्लाई आ रही है यानी जो भी इसमें यानी सप्लाई इन हो रही है एक वायर के द्वारा इन हो रही है, और ये वोल्टेज जो मतलब तार के द्वारा जा रहा है ये उसमें उसके इफ़ेक्ट हैं, किसके, हार्डवेयर वाइज के इफ़ेक्ट हैं। अब इफ़ेक्ट का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कोई भी एनर्जी है, कोई भी वोल्टेज है, आप उसको देख नहीं सकते, उसके इफ़ेक्ट को ही देख सकते हैं। जैसे कोई भी सर्किट डिज़ाइन की जाती है जब वहाँ भी 12 वोल्ट इन करते हैं तो अलग इफ़ेक्ट होता है सर्किट वाइज। जैसे ऑडियो सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन में आप 12 वोल्ट इन करते हैं तो कुछ और इफ़ेक्ट होता है, आप मदरबोर्ड में जो हमारा LCD LED पैनल का है वहाँ पे अगर 12 वोल्ट इन करते हैं तो अलग है, और उसी मदरबोर्ड में देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज यूज किए जाते हैं और अलग अलग सर्किट में वो इंटर होते हैं और अलग अलग सर्किट के अनुसार उसके इफ़ेक्ट यानी जो प्रभाव हैं अलग अलग हो जाते हैं। यानी सप्लाई एक ही है लेकिन हर जगह जो सर्किट की डिज़ाइन है, हार्डवेयर वाइज डिज़ाइन है, वहाँ पे जो उसके मूवमेंट हैं उसके वोल्टेज के और करंट के, वो उसके द्वारा जो वहाँ पे इफ़ेक्ट जो प्रभाव पड़ता है वही हमको जो है जानने और समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इतना एग्जांपल दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे आप देखते हैं कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग, ये 01 के फॉर्म में होता है इसको जब प्रोग्रामिंग किया जाता है, और इस इन्वर्स में जो भी वोल्टेज हैं वो आपका 01 के फॉर्म में ही हैं। जैसा कि हमने पहले रेजिस्टेंस के कलर कोड पे जो बताया था वो एक्सप्लेन किया था कि उसके जो बीच में 5 है तो 4 4
अलग करेंगे, यानी ऊपर से जब 9 से शुरू करेंगे तो बीच में आएंगे 4 के बाद 5 पड़ेगा, फिर नीचे से 0 को छोड़ दें 1 के बाद शुरू करें तो फिर भी 5 मिलेगा, और 5 क्या है, ग्रीन कलर है। तो ये ब्लैक को छोड़ दिया गया है, ब्लैक का 0 है, तो इसके भी मतलब हैं। ये ओम्स ला का जो मेथड है इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, रहस्य। तो ये कलर का जो रिफ्लेक्शन है, जब आप नाइट के समय देखते हैं तो उस समय 0 का काम करता है, यानी 0 हमारा ब्लैक है, और नाइट में सारे कलर अवेलेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पेड़ है या कोई भी जो रंग है धरती का वो गायब हो जाता है, सब रहते हैं, लेकिन एक लाइट पड़ने से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं कलर के रूप में। तो ये इसी तरीके से हम अगर अपना देखें तो हमारा भी एक स्विचिंग फंक्शन है, हम खुद, और उसका प्रूफ ये है, यहाँ पे एक क्लॉक चलता है, आप उस क्लॉक को देख सकते हैं और इसे आप अपने घड़ी के वाच से इसको मिला सकते हैं, एक फिक्स क्लॉक चलता है। अगर इसमें डिफरेंस होता है, यानी इसमें जब अंतर आते हैं पल्स में, तो हमारी फ्रिक्वेंसियाँ चेंज हो जाती हैं। नहीं समझे आप? अब हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जब आप कोई भी स्विचिंग कराते हैं तो स्विचिंग में जब डिफरेंसेज आते हैं तो उसके जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे जो 50 किलो हर्ट्स की अब फ्रिक्वेंसी है और जो 10 किलो हर्ट्स का फ्रिक्वेंसी है, दोनों फ्रिक्वेंसियों में डिफरेंस है, यानी स्विचिंग की स्पीड डिफरेंस है, और जब स्पीड चेंज होगा तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। तो सेम हमारा भी यही है। तो ये जो हमारी कनेक्टिविटी है, ये इसलिए बता रहे हैं कि इस समय जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये हमारा अर्थ की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये सब चीज़ों को बहुत ही ज़रूरी है हमें समझना। पिछले 2 वर्षों में ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं जिनमें अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आता है, कोई नाच रहा है, यानी हम सभी को। तो ये हमारे दिमाग में बहुत दिन से ये चीज़ें आ रहा था, और इस पर मैंने जो है थोड़ा सा प्रयोग किया है, और इसको और डीपली तरीके से हम आपको नेक्स्ट बताएंगे फिर कभी। अब 01 का जो ये आपको बताए हैं एग्जांपल, अगर आपको यकीन ना हो तो सोलर पैनल पे आप जाएंगे, देखेंगे जिसमें वो बस बार इकट्ठा सारे सेल्स को जोड़कर इकट्ठा किया जाता है, उसमें ये नहीं कि आपको 12 वोल्ट 20 वोल्ट 17 वोल्ट ऐसे मिल जाते हैं, उसमें छोटे छोटे सारे सेल को सीरीज और पैरेलल करके सारे वोल्ट को इकट्ठा किया जाता है, बाद में उसके आकार को बड़ा करके उसके एम्पियर को बड़ा किया जाता है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो सोलर एनर्जी जो इस पर रिफ्लेक्ट होती है और इसमें जो करंट वोल्टेज जनरेट होते हैं और एक वायर के द्वारा हम इसको यूज करते हैं, तो ये आप गहराई में जाएंगे तो जैसे हमने बल्ब में दिया है सप्लाई, ये जो ग्रिड की सप्लाई वायर के द्वारा अभी आप देखे हैं एलईडी बल्ब और इसमें फिलामेंट बल्ब में, अब आप इसको अगर वायर को पकड़ कर जाएंगे, ग्रिड मतलब क्या हुआ, पावर हाउस से जहाँ इससे ये जनरेट हो रहा है वहाँ पे जाएंगे, तो चाहे पानी के द्वारा या कहीं भी हाइड्रोजन या किसी के द्वारा जो भी हमारा 220 या स्टीम के द्वारा, जहाँ आप उसके कोर में जाएंगे जहाँ से ये पैदा हो रहा है, जहाँ से जनरेट हो रहा है इसी सप्लाई, आप वहाँ देखेंगे वायरलेस मिलेगा, वायरलेस मतलब बिना तार के। तो ये हमारा जो सूरज से जो भी ये एनर्जी मिल रही है ये भी टोटल वायरलेस है, और इसी में हम भी हैं। तो हमारा भी ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्टिविटी है, कहीं ना कहीं जुड़ा है, और इसको आप एक ग्रेविटेशन के मेथड से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम खड़े हैं इसमें अगर एक चीज़ डिसकनेक्ट हो जाए तो अभी बॉडी गिर जाएगी, और वो कनेक्टिंग से ही ये हमारा ग्रेविटेशन बना हुआ है जो हम हमारी बॉडी यहाँ पे खड़ी है और मूवमेंट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई डिवाइस होता है, चाहे IGBT हुआ, चाहे MOSFET हुआ, चाहे ट्रांजिस्टर हुआ, एक स्विचिंग के रूप में काम करता है, और स्विचिंग के आकार से या उसके सर्किट के डिज़ाइन से सारे फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है और उस पर काम करता है। तो सेम हमारी भी हार्डवेयर वाइज ऐसी डिज़ाइन होती है, इसमें सप्लाई इंटर होता है इस यूनिवर्स का, और जो जिस टाइप से डिज़ाइन रहता है यानी हार्डवेयर वाइज, उसका एक्टिविटी मोमेंट उसी के अकॉर्डिंग होता है, यानी हार्डवेयर सर्किट के डिज़ाइन के अनुसार।
क्योंकि सप्लाई हर व्यक्ति के अंदर इंटर होती है, लेकिन उसकी जो हार्डवेयर वाइज डिजाइन है उस सप्लाई के इंटर होते ही उसकी जो एक्टिविटी है उसके डिजाइन के अनुसार हो जाती है, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी उसी के रूप में हो जाती है। और आगे हम बाद में सीखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।